हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग मस्त होंगे, मैं भी मस्त हूँ। तो आज है नवरात्रा 10 डे वेट लॉस चैलेंज का डे 2। सो आज मैं सबसे पहले आपका डे 1 का वेट दिखाऊंगी और डे 2 का वेट, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 1 kg एक दिन में वेट लॉस हो गया है। सो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी जितना मैंने एक दिन में लूज़ किया। तो मुझे लगता है कि मैं अपना 10 डे का जो टारगेट लेके चलूँ या 2 से 3 kg तक वेट लॉस करने का, वो मेरा पक्का कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वैसे भी कभी भी आप मतलब जो इरेगुलर डाइट करते हो, मतलब आप सही तरीके से जो खाना नहीं खाते हो और आप डाइटिंग पे आते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो वैसे भी आप फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा लूज़ कर जाओगे। सो मैंने भी ऑलमोस्ट 1 kg लूज़ कर लिया है। सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और आप लोग भी बताना, मुझे पता नहीं 800 ग्राम ही कम हुआ, ज़्यादा नहीं कम हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं बॉडी को बहुत लाइट फील कर रही हूँ। मेरा बॉडी बहुत लाइट फील हो रहा है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज का भी सारा डाइट एंड एक्सरसाइज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो लेट्स गो गाइस। सबसे पहले आप देख सकते हो ये मेरा कल का वेट है 81 kg और आज का वेट है 80.2 kg। वाओ, मैंने 800 ग्राम वेट लूज़ कर लिया है। सो फिर से मैं मॉर्निंग ड्रिंक पी रही हूँ अपना, मैं ब्लैक कॉफ़ी ले रही हूँ क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करना है। सो मैं ब्लैक कॉफ़ी अपना आज भी पी रही हूँ। और उसके बाद मैं खाने लगी हूँ केला। लो, तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना वर्कआउट करने से पहले एक फ्रूट खा लिया जाए। तो मैं आज घर में केला था तो मैं केला खा ली और उसके बाद मैं अपना वर्कआउट कर रही हूँ। देख सकते हो गाइस, बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। सो ये बहाना नहीं कर सकते हम लोग कि हाँ, मेरे पास इक्विपमेंट है नहीं है तो मैं कैसे एक्सरसाइज करूँ। एक्सरसाइज यदि आप करना चाहोगे तो बिल्कुल कर सकते हो। बहुत सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, वो भी देख करके कर सकते हो। सो सिंपल एक्सरसाइज मैंने किया। इसमें आप देख सकते हो कि रियली में मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मेरा टमी एरिया में बहुत ज़्यादा ही फैट जमा हो गया है। सो इस बार तो मैं थोड़ा बहुत तो कम कर ही लूँगी। सो आज मैं अपना हैंड एक्सरसाइज, शोल्डर एक्सरसाइज कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 बॉटल लिया है, वो भी पानी भर कर ले लिया है। सो आपके पास भी कोई इक्विपमेंट नहीं है, डंबल नहीं है, तो उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। आपके घर में वो सामान अवेलेबल है, आप उसका यूज़ करके खुद एक्सरसाइज कर सकते हो। देख सकते हो मैं कितना अच्छे से कर रही हूँ। माजा का मैंने 2 बॉटल को फिल कर लिया है वाटर से और उसके बाद मैं एज ए डंबल उसको यूज़ कर रही हूँ। तो एक्सक्यूजेज मत दीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, बट उसके बाद मैंने शावर लिया और उसके बाद मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई। सो उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाने लग गई हूँ। सो आज मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। मैंने बेसन ले लिया है एंड उसमें हम लोग ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, नमक एज पर टेस्ट और वाटर डालकर मिक्स करेंगे। सो मैंने ये मिक्स कर लिया है एंड इसके बाद मैं इसमें वेजेस डाल रही हूँ, टमाटर, प्याज और मिर्च। मुझे बेसन के चीला में टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं टमाटर डाल रही हूँ। आपके पास जो भी वेजेस अवेलेबल हो आप उसका चीला बना सकते हो। कोई वेजेस नहीं है तो प्याज भी डालकर, मिर्च डालकर बना सकते हो। सो ये मेरा चीला है, रेडी हो गया है और इसको मैं कर्ड के साथ खाऊंगी, क्योंकि बेसन का चीला मुझे कर्ड के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है और वेट लॉस में कर्ड बहुत हेल्प करता है। सो मैं कर्ड आज इंटेक कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट में चीला के साथ। देख सकते हो आप लोग, गरम गरम मैं खा रही हूँ, मुझे गरम चीला बहुत पसंद है। और मुझे दोपहर को जाना था बाहर, सो मैंने सोचा क्यों ना अपना लंच पैक करके बाहर के लिए ले जाओ, क्योंकि मैं कोई भी चीटिंग नहीं करना चाहती। इसलिए मैंने 2 रोटी और भिंडी का भुंजिया पैक कर लिया एक लंच बॉक्स में और उसको मैं खा ली। फिर मैं शाम को बहुत ज़्यादा लेट से आई थी इसलिए मैं कोई ड्रिंक नहीं पी पाई, तो मैंने नाइट में एप्पल के साथ ब्लैक कॉफ़ी भी ले लिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद तो आप जानते हो मुझे एनर्जी आ जाती है। सो ऐसा था मेरा आज का ये डे 2। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग?
आज मैंने जो भी खाना खाया है वो सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया है। मैंने आपको ये भी दिखाया कि जब मैं घर पे नहीं रहती, मुझे कहीं बाहर जाना था, तो मैं अपना लंच बॉक्स में खाना पैक करके ले गई थी ताकि मैं बाहर का खाना ना खा सकूँ और मैं चीटिंग ना कर सकूँ। सो यही था मेरा आज का ब्लॉग। यदि ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में कल डे 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।